हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिहा होम एंड फैमिली। फ्रेंड्स, आज मैं जो रेसिपी आपके सामने लेके आई हूँ यह है मावा मोदक, जो कि बहुत ही आसानी से और बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या इंग्रेडिएंट पड़े हैं। दूध हम आवश्यकता के अनुसार लेंगे। इसके बाद 3 कप मिल्क पाउडर लेंगे। 3 ही बड़े चम्मच मैंने घी के लिए हैं और 4 बड़े चम्मच हम इसमें कंडेंस मिल्क के ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बाउल में 1 कप मिल्क पाउडर को ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें 3 बड़े चम्मच घी के ऐड करेंगे। मैंने इसमें घी जो है थोड़ी ज़्यादा मात्रा में इसलिए डाला है क्योंकि मुझे अभी इसमें मिल्क पाउडर ऐड करना है। आप 1 कप के हिसाब से 1 चम्मच ही घी डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा। इसी तरह का मिक्सचर बन जाएगा। अब इसमें 2 चम्मच हम कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे और इसे भी मिला देंगे। फ्रेंड्स, इस रेसिपी की सबसे ख़ास बात ये है कि हमें इसके लिए गैस को जलाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे माइक्रोवेव में बनाएंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। लगभग 3 बड़े चम्मच के करीब इसमें दूध डाला है मैंने। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये थोड़ा सा गाढ़ा मिक्सचर जो है तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद हमें इसे माइक्रोवेव में रखना है। हम इसे लगभग 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रखेंगे। 2 मिनट के बाद ये लगभग इस तरह का मिक्सचर बनकर तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा घी इसमें सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें जो बचे हुए 2 कप मिल्क पाउडर के हैं वो हम इसमें ऐड कर लेंगे और साथ ही में मैंने इसमें कंडेंस मिल्क के भी 2 चम्मच ऐड कर दिए हैं। तो टोटल इसमें 4 चम्मच मैंने कंडेंस मिल्क के ऐड कर दिए हैं। अब हम इसे 1 मिनट के लिए फिर से माइक्रोवेव में रखेंगे। और 1 मिनट के बाद हमारा ये मिक्सचर बनकर तैयार है। ये इस तरह का बन जाएगा। ये बिल्कुल ही मावा जो है बन गया है। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे, 5 से 10 मिनट के लिए। तब तक हम जो इसकी फिलिंग है उसको तैयार कर लेते हैं। फिलिंग में मैंने काजू और बादाम लिए हैं और ये कुछ डेट्स और रेजिन्स मैंने ली हैं। 1 चम्मच इसमें मैंने शुगर का डाला है, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो डाल लें। और थोड़ा सा दूध डालकर इस तरह का मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। इसमें हम 1 छोटा चम्मच कोको पाउडर का डालकर इस मिक्सचर को तैयार कर लेंगे और इसके छोटे छोटे बॉल्स जो हैं हम बना लेंगे। इससे हम मोदक की फिलिंग कर देंगे। फ्रेंड्स, ये इंस्टेंट रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनती है। ये देखिए, इस तरह का मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसके मोदक बनाएंगे। फ्रेंड्स, ये हम बिना मॉल्ट के बना रहे हैं तो मैं चम्मच का इस्तेमाल करूंगी बनाने के लिए। अगर आप लोगों के पास मोदक का मॉल्ट है तो आप उससे बना सकते हो, लेकिन मैं इसे हाथ से ही बनाऊँगी। थोड़ी सी उल्टी पुल्टी शेप बन जाएगी, बट बन गई, अच्छी बन गई फिर भी। तो आप ट्राई करोगे तो आपके भी अच्छे बन जाएंगे। अब ज़रूरी नहीं होता कि हमारे पास घर पर सारी चीज़ें अवेलेबल हों, तो हम इस तरह से हाथों से इसको शेप देंगे। और इसे तैयार करने के बाद एक फोर्क की हेल्प से मैं इसके ऊपर थोड़ा सा डिज़ाइन बना दूंगी। इस तरह से हमें प्रेस करके लाइंस को बना देना है और ये मोदक की शेप का लगने लग पड़ा है। ये देखिए, ये रेडी हो गया है। इसी तरह से हम सारे मोदक को तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करके देखिएगा।
गणेश चतुर्थी आ रही है तो आप इजीली बाज़ार से मंगवाने की बजाय घर पर ही मिठाई तैयार कर सकते हो। अब कुछ केसर के जो धागे हैं वो मैंने इसके ऊपर लगा दिए हैं। ये मेरे पास सिल्वर कलर है, एडिबल डस्ट है, इसको मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर दूंगी। इससे इसकी शाइनिंग जो है बहुत ही अच्छी लगेगी और दिखने में भी बहुत सुंदर लगेगा ये। तो इस तरह से हम इसके ऊपर इसको स्प्रे कर देंगे, थोड़ी सी डस्ट इसकी डाल देंगे। ब्रश के साथ थोड़ा सा इसके ऊपर आप स्प्रेड कर दें ताकि अच्छे से इसके ऊपर लग जाए ये। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितना सुंदर लग रहा है। बस हमारी मिठाई जो है बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए, आप भी इसे घर पर बनाइए और इसे एंजॉय कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।